नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सदाबहार प्लांट के बारे में बताऊंगा, जिसे हम विंका भी कहते हैं। ये प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो भी नए फ्रेंड हैं उनसे आग्रह है कि वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो लेकर आऊँ उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ये विंका के प्लांट हैं, जिसे हम सदाबहार के प्लांट भी कहते हैं। इसकी दो वेरायटी आती हैं, देसी वाली वेरायटी और हाइब्रिड वाली वेरायटी। मेरे पास देसी वाली वेरायटी है, इसकी भी दो किस्म है मेरे पास। एक पर सफ़ेद फूल आते हैं, दूसरी पर रंगीन फूल आते हैं। दोनों ही फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन फूलों की ये कमी, इस प्लांट की ये कमी है कि इन फूलों में सुगंध नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका आयुर्वेदिक उपयोग भी है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी इस विंका के प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप बीजों से ही लगाइए। बीजों से लगाएंगे तो ये प्लांट जल्दी ग्रोथ करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कटिंग भी लग सकती है, लेकिन मैंने दो तीन बार ट्राई किया था, लेकिन दोनों ही बार असफल हो गई थी कटिंग। इसलिए आप इनको बीजों से लगाइए, बीजों से लगाएंगे तो आपके प्लांट जल्दी ग्रोथ करेंगे। दोस्तों, जब इन पर फूल खिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये विंका के प्लांट आउटडोर के प्लांट हैं, इनको जितनी ज़्यादा तेज़ धूप मिलेगी उतने ही फूल खिलेंगे। इसलिए आप इन प्लांटों को आउटडोर में लगाइए, ऐसी जगह लगाइए जहाँ अच्छी तरह से धूप मिले इन प्लांटों को। दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ये मोरपंखी का प्लांट है। ये मोरपंखी का प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एकदम हरा भरा। इन प्लांटों को मैं DAP और फास्फोरस देता हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट हरा भरा रहे, पिल्ला ना पड़े और अच्छी तरह से सर्वाइव करे। दोस्तों, ये साइकस का प्लांट है, ये खजूर के पत्तों से मिलता जुलता हुआ प्लांट है। ये प्लांट भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। इन सभी प्लांटों को मैंने आउटडोर में लगा रखा है। अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो विंका के प्लांट एक ज़रूर लगाइए। इनकी इतनी ज़्यादा केयर की आवश्यकता भी नहीं होती है और ये रफ एंड टफ प्लांट होते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।